कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के फरार रहने के बीच पंजाब पुलिस को जालंधर जिले में एक लवारिस कार मिली है, जिसमें से एक राइफल और कई दर्जन कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हथियार बरामद किए और कहा कि इसकी संभावना है कि काले रंग की यह कार शनिवार को अमृतपाल के काफिले का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि यही कार एक दिन पहले एक वीडियो में नजर भी आई थी। पुलिस ने बताया कि कार में से एक राइफल, करीबन 60 के करीब कारतूस, एक तलवार और एक पंजीकरण संख्या प्लेट मिली है। जलंधर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वर्णदीप सिंह ने कहा कि कार जलंधर के शाहकोट में सलेमा गांव में लवारिस अवस्था में मिली। घटनास्थल पर पत्रकारों से बातचीत में सिंह ने कहा कि उन्हें पता चला कि सलेमा गांव में एक लवारिस वाहन है, वहां वाहन की चाबी भी पड़ी थी। एक निजी वॉकी टॉकी, करीबन .315 बोर की एक राइफल और एक 57 कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब सरकार ने शनिवार को अमृतपाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की और उसके नेतृत्व वाले एक संगठन के करीबन 80 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जालंधर जिले में अमृतपाल के काफिले को रोका गया था, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। देखिए जालंधर से ईशान जुनेजा की रिपोर्ट। देखो, फ्लैग मार्च हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हालात है। लोग बिल्कुल आराम से जैसे रूटीन में अपने निकलते हैं घर से, वो बाहर निकले अपना कामकार करें, और कोई ऐसा माहौल नहीं है कि मतलब उनको घर में बैठने की जरूरत है। पुलिस वचनबद्ध है, पंजाब पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए, और इसलिए इतनी फोर्स आपको देखने को मिल रही है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े कि कोई ऐसी बात नहीं है। सर, कल रात से लेकर अब तक इस पूरे इलाके की बात करें तो क्या कुछ एक्टिविटी हुई है वो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि चर्चाएं बहुत सारी है लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जी, एक्टिविटीज ये है कि हमारा राउंड द क्लॉक जो हमारी चेकिंग्स हैं, आप देख रहे होंगे नाकेज भी लगे हैं, चेकिंग लगे हैं, सारे अफसर बाहर हैं, सारे एसएचओज बाहर हैं, सारे गस्टेड अफसर बाहर हैं, सरप्राइज नाके लग रहे हैं, फ्लैग मार्चेस हो रही है, ये हमारा रेगुलर प्रोसेस चल रहा है, सर्चेज वगैरह हो रही है। जी, कुछ गांवों में भी पुलिस गई थी और क्योंकि ये कहा गया था कि कुछ खालिस्तानी समर्थक वहां पर हैं और उनको डिटेन करने की बात सामने आई, तो उस पर आपकी क्लैरिटी चाहेंगे कि क्या? देखिए, सर्चेज इसलिए कर रहे हैं कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा उसके साथ हम स्ट्रिक्टली पेश आएंगे हम। ठीक है, हमारी पुलिस पार्टीज गांव गांव में घूम रही है, शहरों में घूम रही है, जहां जहां से हमको इनपुट आ रही है तो कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेता है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात अभी नजर आई नहीं है। सर, कोई आंकड़ा मिल सकता है कि कुछ लोगों को अगर डिटेन किया गया तो उनकी संख्या कितनी है? या नहीं, ऐसा अभी ऐसा कोई डिटेन नहीं किया, हमने सिर्फ मैसेज दिया है हमने बड़ा लाउड एंड क्लियर कि कोई भी अपने एक तो गलत जो अफवाहें वो ना उड़ाए और मिसगाइड ना करे लोगों को, और अपने आराम से जो रूटीन की लाइफ है वो अपना निकालें। तो क्या सर कोई ऐसा इनपुट मिला था कि ऐसे कुछ लोग छुपे हो सकते हैं, क्या ये सर्च ऑपरेशन की एक वजह थी? ये भी एक सवाल उठ रहा है क्योंकि नहीं नहीं इनपुट है, देखो ऐसा इनपुट मिल भी रही है और कुछ हमारे पास भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि जो बंदे माहौल खराब कर सकते हैं वो उन पे हम चेक रखना हमारी ड्यूटी है, उस पर वही हम कर रहे हैं। हाँ, और सर एक मैसेज जो आप फाइनली देना चाहें सोशल मीडिया, क्योंकि इंटरनेट भी देखो मैं मैसेज यही दूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में जलंधर में टोटली नॉर्मल है, आप लोग जो हैं आराम से बाहर निकलें, बेझिझक होकर बाहर निकलें, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, पुलिस आपके साथ है। और थर्डली और इम्पोर्टेंट जो है वो कि फॉल्स जो अपने अफवाहें उड़ानी, र्यूमर मॉन्गरिंग करनी, उसमें जो हमारे नोटिस में आएगा इमीडिएटली स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उसमें, और मैं अपील करता हूं कि कोई ऐसी फॉल्स र्यूमरिंग ना करे। सर, बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि दो गाड़ियां क्योंकि कहा जा रहा है कि बरामद हुई हैं, तो वो कौन सी गाड़ियां हैं, क्या कनेक्शन है थोड़ा? देखो गाड़ियां दो नहीं, गाड़ी एक बरामद हुई है हमको, एक इसुजु गाड़ी हमको बरामद हुई है, वो गाड़ी कल उनकी जो कॉन्वे निकली थी उसमें यूज हुई है, वो आज हमारे यहाँ महतपुर में गाँव है वहां से मिली है हमको, और उस गाड़ी में एक जो किरपान वो मिली है और एक वेपन मिला है 315 बोर विद 57 लाइव कार्टेजेस। जी, तो सर वो कनेक्शन कुछ पता लग पाया है कि किसके साथ कनेक्शन उस गाड़ी का, क्या कुछ? देखो आपने ऐसे कल एक वीडियो देखी थी जिसमें वो गाड़ियां ट्रेवल कर रहे थे और वो खुद भी वायरल कर रहे थे, वो तो उसी में ये गाड़ी कल यूज हुई है, वो आज अबैंडन मिली है हमको। कौन लोग हैं सर, अगर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि एक पॉसिबल किसके बारे में जो लोग कर रहे थे ये संस्कार कर गाड़ी की रोकी? नहीं, ये देखो ये जो चल रहा है ऑपरेशन, भाई अमृतपाल के जो समर्थक थे अगर वो खुद थे, वो गाड़ी की जो कॉन्वे थी उसी में से ये कॉन्वे गाड़ी गई है। थैंक यू।